नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। आज बात करेंगे थाने के प्रभाग क्रमांक 15 की। प्रभाग क्रमांक 15 वागले स्टेट के इंदिरा नगर में स्थित है और यहाँ चार नगर सेवक हुआ करते थे, तीन बीजेपी के और एक शिवसेना का। पिछले समय में एक बीजेपी के नगर सेवक बिलास कामले का दुखद निधन हो गया था, लेकिन उसके बाद भी अब समाज का सेवा करने का बीड़ा उनके परिवार के उनके बड़े बेटे ने उठाया है। हम बात कर रहे हैं बिलास चंदू कामले के बड़े बेटे उज्जवल बिलास कामले की। युवा हैं और युवा होने के साथ साथ समाज की सेवा करने की अब उन्होंने ठान ली है। कुछ दिनों पहले पिताजी का निधन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी आज उन्होंने हजारों लोगों को मुफ्त में राशन बांटा। जब हमारे सहयोगी को इस बात की जानकारी लगी, तो जब वहां हमारे सहयोगी पहुंचे तो उनका यह कहना था कि हमारे पिताजी तो लोगों के लिए जीते थे, समाज के लिए जीते थे, आज के बाद हम भी समाज के लिए जिएंगे, समाज को ही अपना परिवार समझेंगे। देखा जाए तो ऐसी सोच के लोग बहुत ही कम हैं। आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे और उसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से एक पिता का निधन होता है और उसके पुत्र ने समाज सेवा करने की ठान ली है, कि पिता ने जो लोगों को रास्ता दिखाया था, समाज का सेवा कर रहे थे, तो अब हम भी समाज के लिए ही जिएंगे। आप देखिए इस वीडियो को और देख के आपको ये पता चलेगा कि आज किस तरह से लोगों को अन्नदान बांटा गया, मुफ्त में हजारों लोगों की सेवा की गई। इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी नगर सेवक बिलास चंदू कामले के निधन के बाद भी गरीबों का पेट भरने का काम उनका परिवार और बड़े बेटे उज्जवल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिलास कामले को गरीबों का राजा कहा जाता था और उनका परिवार व बड़ा बेटा उज्जवल अब यह काम कर रहे हैं। आज यह साबित हो गया कि राजा हमेशा प्रजा की सेवा करता है और यही काम हमारे राजा के बड़े बेटे उज्जवल कर रहे हैं। इन तस्वीरों में यह साफ नजर आ रहा है कि यहाँ किस तरह से गरीब लोगों को राशन का किट दिया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, नमक का सेट इत्यादि मौजूद है। इस मौके पर पूर्व नगर सेवक सुरेश कामले, नगर सेविका स्वर्णा बिलास कामले, शकुंतला अवसरमोल, संदीप सालवे, नामदेव आदि मौजूद रहे। तो देखा आपने, ये वीडियो देख के तो ये समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरह से समाज का सेवा करने के लिए युवा उतरा है। हम अपील करेंगे लोगों को कि ऐसे युवाओं का साथ देना चाहिए, क्योंकि आज युवा है तो राजनीति को बदल सकता है। वैसे तो हम सबको पता है कि राजनीति की क्या स्थिति है, समाज बदल नहीं रहा है राजनीति के वजह से। तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षा भी करेंगे कि युवा अगर राजनीति में आए तो शायद अपने देश को, अपने समाज को एक नई दिशा मिले। आइए देखते हैं कि उज्जवल ने क्या कहा। आज हम लोग 20 साल से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं बिलास कमले के नेतृत्व से, तो आज वो हमारे पास, हमारे दिल में है बट हमारे करीब नहीं है। तो उनका एक ये था, इच्छा था कि यहाँ रहे या ना रहे, हमारे दिल में है। पर आज उनके नेतृत्व से हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा काम है कि जनता का सेवा करना, हम वो जनता के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने गए 20 साल से सेवा किया जनता के लिए, उन्होंने आज हमें एक ऐसा चीज सौंपा है कि हम वो चीज़ हम आगे लेके जाए। करीब करीब हजार लोग हम राशन बांटे, हम जैसा उनका काम है गए 20 साल से हम वो कंटिन्यू रखेंगे, जनता का सेवा करेंगे। मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे बहन जितने भी हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेके, मैं उनसे छोटा हूँ, मैं उनका आगे बढ़ना चाहता हूँ उनके आशीर्वाद लेके। और हमारे प्यारे नगर से विलास कामले जो दानवीर है, उन्हें दानवीर कहा जाता है, उनके आशीर्वाद से हम ये काम, अपना कार्य आगे करेंगे। जैसे मेरा एक इच्छा है कि जैसे मेरे पिताजी को आपने आशीर्वाद दिया, गए 20 साल से जो उनका आप उनके कंधे से कंधे मिला के आप आगे चलते गए, उनको लेके गए, तो मेरा भी एक इच्छा है कि आप मुझे भी ऐसे ही सपोर्ट करें, मुझे ऐसे ही प्यार करें, ऐसे मुझे अपने दिलों में बसाए रखें। तो देखा आपने कि किस तरह से उज्जवल बिलास कामले ने कहा कि जो पिताजी को आप लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, अब उस प्यार को और उस आशीर्वाद को हमारी तरफ भी थोड़ा सा मोड़ दीजिए, क्योंकि पिता तो नहीं है, पिता के पुत्र ही अब सेवक बनेंगे। जब ऐसे युवा समाज की सेवा करने के लिए उतर रहे हैं, समाज को बदलने की बात कर रहे हैं, समाज सेवा करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर युवा चाहे तो अपने देश को बदल सकता है, समाज को नया दिशा दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। आपसे फिर वही एक अपील करूंगा,
कि अगर इस हमारे खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल जेजेबी न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए एक जोश, एक उमंग बन सकता है। तो देर ना करें, सब्सक्राइब करें।